हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिंपली हम लोग एक हैक टाइप का हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले कि जो इंस्टाग्राम होता है या फ्लिपकार्ट होता है या अमेजान होता है, इंस्टाग्राम पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लू टिक होता है या अपना फॉलोअर जो भी नंबर्स होता है, उसको हम लोग चाहें तो एक समय के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं कि हमको ब्लू टिक मिल गया या ये हो गया हो गया है, या अपना फॉलोअर भी बढ़ा सकते हैं चाहें उससे, या चाहे तो फ्लिपकार्ट या अमेजान पे जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब ऐसे वैसे मतलब जो भी प्रैंक करना होता है अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, हम लोग को कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद उसमें हम लोग को अपना इंस्टाग्राम खोल लेना है। इंस्टाग्राम खोलने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर कोई भी सर्च कर लेना, जैसे विराट कोहली हम सर्च कर लेते हैं, जिनको ब्लू टिक मिल चुका है। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उनका अकाउंट ओपन हो चुका है। और अकाउंट ओपन होने के बाद इस पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक कर देंगे। और राइट क्लिक करने के बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, और इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे, आप लोग को यहाँ पर एरो का टिक कोने में दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग को ऐसे ही क्लिक कर लेना है। इसके बाद आकर यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू टिक, ब्लू टिक पे एक बार आप क्लिक करेंगे बस। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू हो गया है। तो जो वाला एरो, जो वाला लाइन ब्लू है, उसको हम लोग को क्या करना है, सिंपली कॉपी कर लेना है। और कॉपी एलिमेंट, कॉपी हो गया। अब इसके बाद हम लोग को न्यू टैब खोलना है, और न्यू टैब में क्या करना है, कोई भी दूसरे का अकाउंट खोल लें अपना ही, जैसे हम राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने भाई का अकाउंट खोल लेता हूँ। और यहाँ पर क्या करना है, सीधे यहाँ पर आना है, कहीं पर भी आप क्लिक करके ऐसे राइट क्लिक कर सकते हैं। और राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन कॉर्नर में जो, उसको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आना है नेम के पास, एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर देख सकते हैं आईडी जो भी है। इसके बाद यहाँ पर एक राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एडिट एज एचटीएमएल करना है। एडिट एज एचटीएमएल करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जैसे ये ऐसा आएगा, इस पर इंटर दबाना है। इंटर प्रेस करने के बाद जो भी हम लोग कंट्रोल सी किए थे, मतलब कॉपी किए थे, उसको हम लोग यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेना है, मतलब यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा कंट्रोल वी करते ही। और पेस्ट होने के बाद हम लोग को साइड में कहीं भी क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का ब्लू टिक आ चुका है, ब्लू टिक यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विराट कोहली का जो भी अकाउंट है, यहाँ पर ब्लू टिक आ चुका है। इसको हम लोग साइड कर देते हैं, ब्लू टिक आ चुका है नाम के बाद, सेम वैसे यहाँ पर भी ब्लू टिक आ चुका है। चाहे तो आप स्क्रीन शॉट लेके इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फॉलोअर भी इंक्रीज करना, मतलब बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी इंस्पेक्ट का ऑप्शन चूज करेंगे। और उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर कॉर्नर में आकर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फॉलोअर, यहाँ पर देख सकते हैं 95 फॉलोअर है। इसको हम लोग चाहें तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, हम लोग को एडिट एज एचटीएमएल करना है। एडिट करने के बाद आप यहाँ पर रैंडमली जो भी चाहें अपना आराम से डाल सकते हैं, जितना मन करे उतना डाल सकते हैं। तो चलिए हम डाल देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, जितना मन को उतना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद इसको कंट्रोल सी करेंगे, और जो 95 था इसको भी हम लोग डिलीट करके सेम एट्रीब्यूट यहाँ पर भी डाल देंगे, कंट्रोल भी हो जाएगा। अब इसके बाद देख सकते हैं आप लोग इसका फॉलोअर कितना हो गया, आप लोग जितना डालें उतना काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग जो भी फॉलोअर इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए देखते हैं, जो भी अमेजान और फ्लिपकार्ट है उसमें हम लोग कैसे, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसको हम लोग, दोस्तों इसको जो भी प्राइस, इसको चेंज करने के लिए हम लोग को सिंपली सर्च कर लेना है फ्लिपकार्ट या अमेजान। पहले फ्लिपकार्ट सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप कोई भी मोबाइल, स्मार्टफोन या कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम लोग रैंडमली कुछ भी क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद रियल मी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बस इसको सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्मार्टफोन है, यहाँ पर इसका प्राइस जो है 8,999 रुपये दिखा रहा है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर भी राइट क्लिक करना है, और इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर जाना है सीधे। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी एरो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 8,999 रुपये दिखा रहा है। इसको क्या करना है, हम लोग को एडिट कर लेना है। सिंपली एडिट एज एचटीएमएल करेंगे, और यहाँ से आप जितना प्राइस इसका करना चाहें उतना कर सकते हैं। जैसे हम लोग 8,999 तो इसको हम लोग चाहें तो 1,999 कर सकते हैं, बस आप जो देख सकते हैं। सिंपली इस प्रकार आप चाहें जो भी चीज़ इसमें चेंज करना चाहते हैं वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अमेजान में भी आप जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।